गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम निकल पड़ा था इवोल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, मतलब इंट्रो पढ़ा था इंट्रोडक्शन, ठीक है, इवोल्यूशन का। तो हमने कहा था इवोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ अ स्लो और ग्रेजुअल, ठीक है, स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस। ठीक है, ये क्या होता है इवोल्यूशन, अगर हम ह्यूमन लैंग्वेज में अगर इवोल्यूशन को डिफाइन करें। ठीक है, इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस चेंज या कंटिन्यूअस स्लो और ग्रेजुअल स्पॉन्टेनियस चेंज फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स स्टेट। और हमने ये भी पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि अगर कोई किसी एलिमेंट्स में चेंज होता है, ठीक है, किसी किसी एलिमेंट में इवोल्यूशन होता है, चेंज होता है, तो उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और किसी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज होता है विद टाइम, इसको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। और हमने इंट्रोडक्शन में ये भी पढ़ा था कि जो चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, उसमें अकॉर्डिंग टू हिम उसने क्या कहा था कि जो कम्प्लेक्स प्रेजेंट डे जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, प्रेजेंट डे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये जो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये जो अर्लियर सिंपलर फॉर्म ऑफ लाइफ से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, विद टाइम आहिस्ते आहिस्ते, मतलब कोर्स ऑफ एजेस, ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते क्या हुआ है, जो अभी जो प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अर्ली जो सिंपलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म से ही ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, बाई द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल और एब्रप्ट चेंजेस, ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते इसमें चेंजेस आके। ठीक है, इस थ्योरी को उसने क्या कहा था, डिसन विथ मॉडिफिकेशन कहा था। ठीक है, अब बहुत सारे इवोल्यूशनिस्ट मानते हैं कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है दे फर्स्ट अपियर इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो बहुत सारे इवोल्यूशनिस्ट क्या मानते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है पहले पहले वो यहाँ पे इस वर्ल्ड में आए थे, फर्स्ट जो अपियर हुआ था वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे। फिर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो गए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से ही एराइज हो गए मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फिर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो सिंपलर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म से मॉडिफाइड, जो मॉडिफिकेशन होके क्या बन गए, हमारे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बन गए। ठीक है, फिर इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट जो है वर्टिब्रेट्स में क्या हो गए, आहिस्ते आहिस्ते इवॉल्व हो गए। ठीक है, वर्टिब्रेट्स बने, जो पहले पहले अर्ली वर्टिब्रेट्स थे, हमने कल पढ़ा था कौन को उनमें अर्ली वर्टिब्रेट्स हम फिशेस को मानते हैं, फिशेस दी अर्ली वर्टिब्रेट्स वर फिशेस, ठीक है, फिशेस या पाइसिस थे। ठीक है, अब फिशेस में ग्रेजुअल चेंजेस हुए, ठीक है, फिशेस के अंदर भी ग्रेजुअल चेंजेस होके क्या बन गए, एम्फीबियंस बने। ठीक है, एम्फीबियंस जो हमारे फ्रॉग आता है, सलमंडर आता है, ये सब बन गए फिशेस में ही ग्रेजुअल चेंज आके। अब उसमें एम्फीबियंस में सर्टेन एम्फीबियंस, फिर सर्टेन एम्फीबियंस से ही कुछ रेप्टाइल्स प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, सर्टेन एम्फीबियंस से ही कुछ एम्फीबियंस से ही रेप्टाइल्स का क्या हुआ, प्रोडक्शन हो गया, प्रोड्यूस हो गए। फिर रेप्टाइल्स फाइनली इवॉल्व हुआ था बर्ड्स एंड मेमल्स में। अब जो ह्यूमन है, ह्यूमन हमने कल ही पढ़ा था, ह्यूमन इवॉल्व फ्रॉम एप लाइक एनिमल बाय एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस फ्रॉम जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। ह्यूमन जो है, ह्यूमन बींग्स जो है, वो कहाँ, वो मतलब किस से इवॉल्व हुआ है, कहाँ से इवॉल्व हुआ है, एप से। ठीक है, एप लाइक एनिमल से, एप लाइक एनिमल से इवॉल्व हुआ है बाय एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस, क्योंकि उसमें जो एप है, हमारा एंसेस्टर है, उसमें बहुत सारे इन कोर्स ऑफ टाइम बहुत सारे चेंजेस एक्यूमुलेट होते गया जनरेशन आफ्टर जनरेशन, फिर क्या बन गए, ह्यूमंस बन गए, होमोसेपियंस बन गए। ठीक है, तो हमने यही पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। ठीक है, और हमने ये कहा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो इवोल्यूशन हुआ है, बहुत सारे इवोल्यूशनिस्ट मानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हुआ है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है
तो उन्होंने क्या किया, एविडेंसेस भी दिया, प्रूफ भी दिया कि हाँ भाई ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, या बायोलॉजिकल जो हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, आहिस्ते आहिस्ते सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स स्टेट में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, मतलब चेंजेस आया है इन कोर्स ऑफ टाइम, चेंजेस आए हैं। अब आज हम पढ़ेंगे उसके एविडेंसेस या प्रूफ, ठीक है, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब इसमें एविडेंसेस में बहुत सारे एविडेंसेस सपोर्ट करता है, ठीक है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, तो बहुत सारे इसमें क्या है, एविडेंसेस है, ठीक है, जो एविडेंसेस है, जो बेसिक मतलब एविडेंसेस है या प्रूफ है, उनको डिवाइड किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है, जैसे कि इसमें मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस है, या बायोकेमिकल एविडेंसेस, फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस है, या फॉसिल्स जो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस है, ये तो एविडेंसेस को क्या किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। मेनी टाइप ऑफ एविडेंसेस सपोर्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एंड दीज जो एविडेंसेस है, दीज एविडेंसेस आर कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस मतलब कैटेगरीज, ठीक है। पहला जो कैटेगरी है, ठीक है, उसमें आता है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल एंड एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, ठीक है, एविडेंसेस। सेकेंड आता है हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियो एम्ब्रियोलॉजी के बेस पे, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस जो अर्ली डेवलपमेंट के बेसिस पे भी ये एविडेंसेस है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ से अराइज हुआ है, सिंपलर फॉर्म से, ठीक है। थर्ड एविडेंसेस क्या है, पहला है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, सेकंड इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, थर्ड इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है, पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स जिसे कहते हैं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। इस पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में हमारे सिलेबस में ही मेंशन किया हुआ है, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स पढ़ेंगे हम, डेटिंग ऑफ फॉसिल्स ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्थ है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बाद है बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, जो एनिमल्स और प्लांट्स को अलग अलग मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है, अर्थ में, अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसका, ठीक है, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस ये हमें पढ़ना है, ठीक है। फिफ्थ है फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एविडेंसेस, ओके, फिजियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एविडेंसेस, बायोकेमिकल एविडेंस, और भी बहुत सारे एविडेंसेस है। तो हम जो ऑर्गेनिक एविडेंसेस में हम ये पांच ये कवर करेंगे, ठीक है, टॉपिक कवर करेंगे। पहले पहले हमारा है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस में बहुत सारे एविडेंसेस है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी के बेस पे या एनाटॉमी के बेस पे बहुत सारे प्रूफ है, बहुत सारे एविडेंसेस है कि इवोल्यूशन हुआ है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है इन कोर्स ऑफ टाइम, विद टाइम क्या हुआ है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है। तो इसमें बहुत सारे मतलब टॉपिक्स आते हैं हमारे, ठीक है, जैसे कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आता है, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, कनेक्टिंग लिंग, ये सारे किस में आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस में आते हैं। तो हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दीज फीचर्स इंक्लूड, दीज फीचर्स इंक्लूड या मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस इंक्लूड, फर्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज होमोलोगस ऑर्गन,
होमोलोगस ऑर्गन्स, थर्ड इज एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन्स ठीक है, फोर्थ इज कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक भी आ जाता है, कनेक्टिंग लिंक भी मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस में आता है। फिर इसके बाद आता है हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन आता है, इसमें वेस्टिजियल वेस्टिजियल ऑर्गन्स आते हैं। फिर इसमें आता है एटेविज्म, ठीक है, सिक्स्थ इज एटेविज्म, एटाविज्म। तो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस इंक्लूड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन, कनेक्टिंग लिंक, वेस्टिजियल ऑर्गन एंड एटेविज्म। तो ये सारे टॉपिक हमें एक एक करके पढ़ना है। पहले हम पढ़ते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस में हम पहले लेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ड पे, ठीक है, जो एनिमल्स और जो डिफरेंट एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर, डिफरेंट प्लांट्स में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, या किसी किसी में ऑर्गन लेवल होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, तो उसके बेसिस पे हमें क्या, मतलब कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम पहले लेंगे, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस में आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जो बॉडी है एनिमल्स और प्लांट्स के, ठीक है, हम सबको पता है जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है, इनका जो बॉडी जो फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द, या इट इज फॉर्म्ड ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक यूनिट, एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बना है, ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, ठीक है, उससे बना है, जिसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है, ठीक है। तो चाहे जितने भी प्लांट्स हो या चाहे जितने भी एनिमल्स हो, वो सब, ठीक है, ये सब किससे बना होता है, एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट से बना होता है, एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बना होता है, सेल से, ठीक है। द बॉडी ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स इज फॉर्म्ड ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक यूनिट, द सेल, ठीक है। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है, देखो, सेल एग्रीगेट होके, सेल मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, उन उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स एग्रीगेट होके, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, ठीक है, सेल एग्रीगेट्स टू फॉर्म टिश्यूज। फिर टिश्यू एक दूसरे के साथ गेदर होके, एग्रीगेट होके क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। फिर ऑर्गन एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, ठीक है। अब जो ये जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिमिलरिटी है, मींस जितने भी एनिमल्स है, चाहे यूनिसेलुलर एनिमल्स हो, चाहे मल्टी सेलुलर एनिमल्स हो, सेलुलर लेवल के एनिमल्स हो, चाहे टिश्यू लेवल के एनिमल्स हो, चाहे ऑर्गन लेवल के एनिमल हो, चाहे ऑर्गन सिस्टम लेवल के एनिमल हो, सबके अंदर जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो सेल होता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि सेल से ही जो बेसिक ओरिजिन सबके क्या है, सेम है, सेल से ही बना है। तो जो सिमिलरिटी है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, दिस सिमिलरिटी इन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इंडिकेट्स अ मतलब फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ऑल एनिमल्स, क्योंकि जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल यूनिट है, वो सारे ऑर्गेनिज्म में क्या है, सेम है। तो सारे ऑर्गेनिज्म उसी एक सेल से बना है, लेकिन फिर इन कोर्स ऑफ टाइम, मतलब विद टाइम, बहुत सारे मतलब टाइम लेने के बाद, ठीक है, उनमें इवोल्यूशन हुआ है। कैसे इवोल्यूशन हुआ है, मतलब सेलुलर लेवल के कुछ एनिमल्स भी मिलते हैं हमें, टिश्यू लेवल के एनिमल्स भी मिलते हैं हमें, होंगे तो बेसिक फंडामेंटल यूनिट सब के अंदर सेल ही होंगे, लेकिन हमें मिलते हैं सेलुलर लेवल के एनिमल्स भी मिलते हैं, टिश्यू लेवल के एनिमल भी मिलते हैं, ऑर्गन लेवल्स के भी मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल्स के भी मिलते हैं। तो हमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल,
हमें पता है एनिमल्स के बारे में अगर हम बात करें तो स्पॉन्जिस जो पोरिफिरेंस होता है स्पॉन्जिस में, ठीक है, जो सेल सेल होता है वो मतलब वो मल्टी सेल्यूलर होता है, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन सेल्स एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज होके या एग्रीगेट होके टिश्यू लेवल मतलब नहीं बनते, वो सेल्यूलर लेवल के ही होता है, ठीक है। स्पॉन्जिस या पोरिफिरेंस के अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल तक ही महदूद है, क्योंकि उनमें सेल्स एक दूसरे के साथ एग्रीगेट नहीं होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। सेल्स इंडिपेंडेंट होता है, मल्टी सेलुलर तो होता है लेकिन सेल्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो दिस गिव्स द स्पॉन्जिस अ सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब फिर मतलब स्पॉन्जिस के आगे हमारा आता है फाइलम सिलेंट्रेटा, ठीक है। सिलेंट्रेटा में क्या होता है, देखो स्पॉन्जिस में क्या है, सेल्स है सेलुलर लेवल के। अब सिलेंट्रेट्स में आते हैं, जब स्पॉन्जिस से सिलेंट्रेट जब आते हैं नेक्स्ट फाइलम आते हैं, तो सिलेंट्रेट्स में क्या होता है, सेल्स एग्रीगेट होता है टिश्यूज में, जो सेल बना होता है इनके बॉडी में, सेल्स एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होके टिश्यू बनते हैं, ठीक है। फिर टिश्यू फॉर्मेशन होता है, फिर टिश्यूज बाद में मतलब दिस प्रोड्यूस मतलब लेटर दे फॉर्म ऑर्गेन्स, फिर बाद में, ठीक है, टिश्यूज सब एग्रीगेट होके क्या बनता है ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, जैसे कि प्लेटीहेलमिंथ से ऑनवर्ड्स, जो सिलेंट्रेटा के बाद जो फाइलम आता है प्लेटीहेलमिंथ, प्लेटीहेलमिंथ ऑनवर्ड्स हमें पता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास सेलुलर लेवल के भी होता है, टिश्यू लेवल के भी होता है, ऑर्गन लेवल के भी होता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल के भी होता है। ये जो स्टेप वाइज चेंजेस है, ठीक है, अलग अलग एनिमल्स में फंडामेंटल यूनिट तो एक ही है, सेलुलर सेल है, सेल से ही बना है सब कुछ, लेकिन जो स्टेप वाइज चेंज हुआ है, फाइलम टू फाइलम चेंज हुआ है, ठीक है, सैंपल से सेलुलर लेवल से कॉम्प्लेक्स मतलब फॉर्म में आ गया है, सेलुलर लेवल से कॉम्प्लेक्स मींस ऑर्गेन सिस्टम लेवल तक आ गया है। दिस स्टेप वाइज चेंज फ्रॉम सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज इवोल्यूशन, इसको हम कह सकते हैं इवोल्यूशन हुआ है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ के हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो यह हो गया हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा होमोलोगस ऑर्गन, सेकेंड इज होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन्स। अब होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होता है, देखो होमोलोगस होता है एक, एक होता है एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स जो होता है इनका जो बेसिक, होमोलोगस मींस इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है या बेसिक ओरिजिन है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन जहां से ये एराइज हुआ है, या इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, वो सेम रहता है, लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है, अलग अलग रहता है, अलग अलग होता है, ठीक है। मींस इनका बेसिक जो ओरिजिन है, जहां से ओरिजिनेट हुआ है, या बेसिक जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, वो उन एनिमल्स में सेम रहता है, लेकिन इनका फंक्शंस क्या होता है, अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दूंगी, पहले ये इस बात को समझो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स का फॉलिंग्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स का फॉलिंग्स मीन्स इसमें हमारे आते हैं फॉलिंग्स ऑफ मतलब मेन आता है, चीता आता है, वेल आता है और बेट आता है, सारे मेमल से बिलोंग करता है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, देखो इनका जो फॉलिंग्स का बेसिक ओरिजिन है, ठीक है, या स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर है वो सबका सेम होता है, लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग होता है, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन मीन्स द ऑर्गन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज विच लुक डिफरेंट एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं द ऑर्गन ऑफ एनिमल्स या डिफरेंट स्पीशीज विच लुक डिफरेंट एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस बट हैव द बेसिक सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड सिमिलर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, इट इज नोन एज होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो
द ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज विच लुक डिफरेंट विच लुक डिफरेंट एंड परफॉर्म different and perform different functions but have the similar basic structure and similar embryonic origin और कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स. होमोलोगस ऑर्गन्स जो है टर्म जो है वो क्वाइन किया था रिचर्ड ओवन ने. किसने? रिचर्ड ओवन, RICHARD रिचर्ड ओवन, इसने ही क्वाइन किया था दिस टर्म. होमोलोगस ऑर्गन वॉज क्वाइंड बाय रिचर्ड ओवन. ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज में वो ऑर्गन्स होता है जो कि जिनका जो ओरिजिन है, बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक ओरिजिन है वो सेम होता है, लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग होता है. बस ये याद रखना. एग्जाम्पल हम देंगे वर्टिब्रेट्स फॉर लिम्ब. एग्जाम्पल आता है हमारा वर्टिब्रेट का फॉर लिम्ब. वर्टिब्रेट फॉर लिम्ब, FORELIMBS फॉर लिम्ब्स. ठीक है, फॉलिम्स मीन्स जो हाथ होता है, ठीक है, आर्म्स हाथ होता है, ठीक है, फॉलिम्स जो आगे वाला लिम्स होता है, ठीक है. अब जो फॉलिम्स है वर्टिब्रेट के अंदर, वर्टिब्रेट में जैसे कि हमारा आता है मेन, चीता, वेल एंड बेट, सारे मेमल्स से, सारे वर्टिब्रेट से, ठीक है, इनका जो फॉलिम्स है मेन, चीता, वेल एंड बेट, चमगादड़, ठीक है, ये इनका जो फॉलिम्स है, दीज आर वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन. ये होमोलोगस ऑर्गन का बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है. क्यों? क्योंकि देखो जो एनिमल्स है, ठीक है, एनिमल्स है जैसे कि मैन, चीता, वेल, बेट, इनका ओरिजिन जो है या बेसिक स्ट्रक्चर है वो सबका सेम है, ठीक है, वो सबका क्या है, सेम है, मतलब दे इनहेरिटेड इट फ्रॉम देयर एंसेस्टर विच हैड 5 digit और पेंटाडेक्टाइल लिम्स. वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है मेन के अंदर या चीता या वेल या बेट के अंदर, फॉर लिम्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इनके एंसेस्टर से ही, मतलब पेंटाडेक्टाइल जो टेक्टाइल लिम्स जिनमें 5 मतलब डिजिट्स होता है, 5 digits होता है, वही से ही ओरिजिनेट हुआ है सबका. लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग है. मेन के अंदर फॉलिम्स का फंक्शन अलग है, चीता के अंदर फॉलिम्स का फंक्शन अलग है, वेल का अलग है फंक्शन, बेट का फंक्शन अलग है. बेसिक जो ओरिजिन है वो तो सबका सेम है, ठीक है, सबका कहाँ से मतलब ओरिजिन हुआ है, 5 digit या पेंटाडेक्टाइल लिम्स एनिमल से ही ओरिजिनेट है सबका. लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग है. मेन का फॉलिम्स हम जो यूज करते हैं, ठीक है, ग्रेस्पिंग के लिए, होल्ड करने के लिए, किसी चीज को होल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, हमारा हाथ जो है हम क्या करता है वो ग्रेस्पिंग के लिए, होल्ड करने के लिए यूज करता है. चीता के अंदर जो फॉलिम्स है वो रनिंग के लिए यूज होता है, तो फंक्शन अलग हो गया. वेल के अंदर फॉलिम्स है वो स्विमिंग के लिए यूज करता है, ठीक है, इसका फंक्शन भी अलग हो गया. और बेट के अंदर फॉलिम्स किस लिए यूज होता है, फ्लाइंग के लिए यूज होता है, तो इसका फंक्शन भी अलग अलग हो गया. तो फंक्शन अलग है लेकिन बेसिक जो ओरिजिन है या बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है. तो ये क्या है, एग्जाम्पल है वर्टिब्रेट फॉलिम, एग्जाम्पल है होमोलोगस ऑर्गन का. तो हम लिख सकते हैं द फॉलिम्स ऑफ मेन चीता वेल एंड बेट बेट आर गुड एग्जाम्पल ऑफ
गुड एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है ठीक है। अब देखो मेन में दे आर यूज्ड फॉर ग्रेस्पिंग, ग्रेस्पिंग मीन्स होल्ड करना, ग्रेस्पिंग मीन्स होल्ड, होल्डिंग, ठीक है, ग्रेस्पिंग मीन्स होल्ड, होल्ड। दे आर यूज्ड फॉर ग्रेस्पिंग इन मेन, फॉर रनिंग इन चीता, रनिंग, रनिंग इन चीता, चीता, फॉर स्विमिंग इन वेल एंड फॉर फ्लाइंग इन बैट, ठीक है। फंक्शन सबका अलग अलग हो गया, बट दे आर इनहेरिटेड इट फ्रॉम, दे इनहेरिटेड इट फ्रॉम एन एंसेस्टर विच हैड पेंटाडेक्टाइल लिम्स, या फाइव डिजिट और पेंटाडेक्टाइल लिम्स, फाइव डिजिट लिम्स या पेंटाडेक्टाइल लिम्स से ही ओरिजिनेट हुआ है। ओरिजिन सब कसम है, लेकिन फैशन क्या है, अलग अलग है। ये हो गया हमारा होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है, हमने पढ़ा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और होमोलोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन में भी हम कह सकते हैं कि यहाँ इसको भी पढ़ के हम कह सकते हैं कि मतलब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर तो सब कैसे में, लेकिन उसके बाद मतलब फंक्शन अलग अलग हो गए, ठीक है। तो इसको जो होमोलोगस ऑर्गन है वो बेस्ड है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, डाइवर्जन इवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। डाइवर्जन इवोल्यूशन मीन्स ओरिजिन सबका सेम है, लेकिन वो डाइवर्ज हो गए, ठीक है। इसका फंक्शन कुछ अलग हो गया, इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया, तो डाइवर्ज हो गए। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स बेस्ड ऑन डाइवर्जन इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के ऊपर क्या है, बेस्ड है। यह हो गया हमारा होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल एविडेंसेस में एनालोगस ऑर्गन, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।